वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक सरप्राइज़। ये आप गैस करें कि ये क्या है। जी, ये है ऑरेंज पील पाउडर, और इससे बनाएंगे हम एंटी एजिंग क्रीम, जो कि हमारी एजिंग को भी, और एक बात आपको और बताऊँ, ये छाइयों के लिए भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों की छाइयाँ जो है ना, ख़त्म होने का नाम नहीं ले जाती, छाइयाँ एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़िद्दी है। आप कुछ भी कर लें, डॉक्टरी क्रीम, इलाज, कुछ भी कर लें, वो आपकी नहीं जाएंगी। तो ये हमारी छाइयों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये मैं आपको बनाना बताती हूँ। 1 चम्मच हम लेंगे ये ऑरेंज पील पाउडर, और इसको छन्नी से अच्छे से छान लेंगे कि इसका बारीक वाला हिस्सा हमारे पास आ जाए, और जो एक्स्ट्रा मोटे मोटे पीस हैं वो बिल्कुल भी ना आए। ठीक है, ये देखें, इसमें जो भी था एक्स्ट्रा वो अब इधर हम वापस डाल देंगे। ठीक है, इसमें हमने डालना है थोड़ा सा एलोवेरा जेल। हो गई है एलोवेरा जेल। ठीक है, इसमें डालेंगे हम बादाम का तेल, जो हमारी स्किन के लिए, फेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जैतून का तेल, चंद कतरे। जैतून के तेल में आपको पता है वैसे ही शफा होती है, तो ये चेहरा निखारेगा। बादाम का तेल, और ये जो है ये बहुत ज़्यादा हमारे फेस को, सर्दियों में तो वैसे भी फेस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक कैप्सूल डालूंगी मैं इसमें विटामिन ई का। अब इसको हम मिक्स करेंगे। हो गई हमारी एंटी एजिंग क्रीम। इसको आपने लगा के पूरे फेस को, दिन में जिस वक्त आप काम कर रही हैं, ठंडे पानी से आप अपना फेस वॉश करें और अच्छे से इसको अप्लाई करके छोड़ दें। स्क्रब नहीं करना, आपने अप्लाई करके छोड़ देना है। जब आप देखें कि आपके फेस पे क्रीम जो है इसमें जज़ब हो गई है, और ये इसके जो पील पाउडर है वो रह गया, तो आप हल्के हाथ से अपने फेस को रब करें, वो उतर जाएगा और एक्स्ट्रा पाउडर उतर जाएगा, बाकी आपके फेस पे लगा रहेगा। और उसके बाद आप देखेंगी कि आपके फेस की झुर्रियाँ जो हैं वो बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। तो आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। देखें, इसको हमने ऐसे लगा के, ठीक है, ये पूरे फेस पे, नेक पे, नेक पे भी ज़रूर लगाया करें। और फिर आपने इसको ठंडे पानी से इसको मल मल के अच्छे तरीके से आपने इसको धोना है। फेस वॉश, साबुन, कुछ भी नहीं इस्तेमाल करना। जब ये इस्तेमाल करना है तो उसके बाद आपने घंटे दो घंटे कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। इसको भी उतारने के लिए आपने सिर्फ़ और सिर्फ ठंडा पानी ही इस्तेमाल करना है। ट्राई कीजिएगा, बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि कैसा लगा आपको ये ऑरेंज पील तो एंटी एजिंग। और ये झुर्रियों के लिए भी बहुत अच्छा है, आप झुर्रियों के लिए भी इसको इस्तेमाल करें और देखें, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा। तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।